गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम मेरी गुड की बुक में आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 की तरह, यूनिट 7 चैप्टर 1। तो क्या है ये? पोयम है, एक अच्छी सी पोयम है, पप्पी एंड आई। क्या है पोयम में, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक पोयम बच्चे की है जो खेलने के लिए किसी ना किसी को ढूंढता रहता है। वो अकेला बच्चा है इसलिए उसे खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो वो किस किस से मिलता है वो हम देखते हैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग। मैन एंड आई, क्या बोल रहा है? जब वो रास्ते पे जा रहा था उसको एक आदमी मिला, उसने उस आदमी से बातचीत की। क्या बातचीत की अब हम पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू मैन, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द मैन एज ही वेंट बाय, जब वो जा रहा था तब मैंने उसे पूछा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, क्या बोल रहा है कि मैं विलेज की तरफ जा रहा हूँ ब्रेड परचेज करने के लिए। तो उसने उसे खेलने से मना कर दिया। विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई, ऐसा किसने पूछा? बच्चे ने पूछा उस आदमी से। तो उस आदमी ने क्या कहा? नो नॉट आई, मैं नहीं आ सकता। फिर जब वो आगे बढ़ता है तब वो किससे मिलता है। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई, जब वो आगे बढ़ता है तब वो किससे मिलता है? हॉर्स से मिलता है। अभी हॉर्स के साथ वो क्या बातचीत करता है? वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे, आज आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय, जब वो जा रहा था तब मैंने उससे पूछा। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मैं विलेज की तरफ जा रहा हूँ कुछ हे लेने के लिए। विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई, तो उसने घोड़े से पूछा कि आप मेरे साथ आ सकते हो। तो घोड़े ने मना किया कि नहीं, मैं मुझे हे लेने जाना है, मतलब सूखा घास, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। फिर थर्ड पैराग्राफ में जाते हैं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं आगे बढ़ रहा था रास्ते पर तब मुझे एक पपी मिला। वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई, हम दोनों बातचीत करने लगे। क्या बातचीत की? वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, इस खूबसूरत दिन पर आप कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, क्या बोल रहा है कि मैं हिल्स की तरफ जा रहा हूँ रोलिंग एंड प्लेइंग करने के लिए। आई विल कम विथ यू पपी, सेड आई, मैंने पपी से तुरंत कहा कि मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। तो पप्पी ने हाँ बोला और मैं और पप्पी दोनों खेलने लगे हिल्स पर जाकर। अब इसको रिदम में कैसे पढ़ते हैं वो बताऊं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई, वेयर आर यू गोइंग टू, आई सेड टू मैन, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड, विल यू कम विथ मी, नो नॉट आई। आई मेट अ हॉर्स As I went walking, we got talking, horse and I, where are you going to, horse today, down to the village to get some hay, will you come with me, no not I. I met a puppy, as I went walking, we got talking, puppy and I, where are you going this fine day. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy said I. ये किसने लिखी है कविता? ए ए मिलने ने लिखी है। अब हम इसके न्यू वर्ड्स नीचे देखते हैं। विलेज, हिल्स, ब्रेड, हे, रोल, प्ले, ये सिक्स आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको ये पोयम और ये न्यू वर्ड्स CW नोट में लिखने हैं। थैंक यू।